ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ा हूँ, उत्तर पूर्व दिल्ली से, और वहाँ पर लगभग 7 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो बतौर प्रत्याशी मैं कह सकता हूँ कि मैं एक तरह से चुना हुआ विपक्ष हूँ, क्योंकि जो लोग जीतते हैं वो पक्ष होते हैं, जो हारते हैं वो चुना हुआ विपक्ष होता है। तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, और आपने देखा होगा, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें, लगातार वृद्धि हुई है, पानी की भयंकर समस्या रही लोगों की, आज ही छठ महापर्व संपन्न हुआ है, कई जगह जो है घाटों की समस्याएं आई उसको बनाने को लेकर के, बिजली आपको पता है कि लगातार महंगी होती जा रही है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के आम लोगों के कई सवाल हैं। और विपक्षी पार्टी होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते भी हमारी ये कार्यकर्ता के तौर पे जिम्मेवारी है कि देश के लोगों की जो आम समस्याएं हैं, उस वो जो अन्याय महसूस कर रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज को बुलंद किया जाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने न्याय यात्रा शुरू की है और मैं भी यहाँ पर जो है उस न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए और अपने लोगों के समर्थन के लिए आया। आप कह रहे हैं अन्याय हो रहा है दिल्ली में, तो सरकार आपके सहयोगी दल की है, क्या माना जाए कि वो भी काम नहीं कर रही है? देखिए, इतना मामला सीधा नहीं है दिल्ली का। अगर इतना मामला सीधा होता तो बीजेपी अध्यादेश लेकर के क्यों आई? दिल्ली का मामला बहुत पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है कि यह एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। बीजेपी बहुत चालाकी से जो है ये कोशिश करती है कि आम आदमी वर्सेज कांग्रेस पार्टी इसको बना दिया जाए। मुख्य मुद्दा ये है कि जो भी दिल्ली की समस्या है उसमें जितना राज्य सरकार की भूमिका है उससे ज्यादा भूमिका केंद्र सरकार की है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। शुक्रिया।